यह एक कहानी है छुटकी उल्ली की, जो कि छोटी उल्ली उल्लू की मादा बेटी है। इसके लेखक हैं माइक थर्लर, इसके चित्र बनाए हैं कनक शशि ने, और यह एकलव्य का प्रकाशन है। छुटकी उल्ली एक चित्रकथा है जो रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा फाइनेंस की गई है, सहयोग उनके वित्तीय सहयोग से इसको विकसित किया गया है। जब छुटकी उल्ली 2 साल की हुई तो उसने सवाल पूछना शुरू किया, आसमान में कितने सितारे हैं? एक रात उसने अपनी अम्मी से पूछा। बहुत से, अम्मी ने जवाब दिया। कितने? छुटकी उल्ली ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। अम्मी मुस्कुराने लगी। तुम गिनकर देख लो, 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, 104। जब सूरज निकला, छुटकी अब भी गिन रही थी, तब भी गिन रही थी, 1001, 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा। इतने कि मैं गिन भी नहीं सकती, छुटकी ने पलके झपकाते हुए कहा। फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपाकर झट से सो गई। अगली रात छुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा। अम्मी, आसमान कितना है? बहुत ऊंचा, अम्मी बोली। कितना ऊंचा? छुटकी उल्ली ने फिर पूछा। जाकर खुद ही देख लो, अम्मी ने कहा। तो छुटकी ऊपर आसमान की ओर उड़ चली। उसने पेड़ से बहुत ऊपर बादलों तक जा पहुंची। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, अब वह बादलों से भी ऊपर उड़ रही थी। लेकिन वह जितना ऊपर जाती, आसमान और ऊपर उठता चला जाता। सुबह जब वह अपने पेड़ पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। सुबह जब वह अपने पेड़ पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। तो कितना ऊंचा है आसमान? अम्मी ने पूछा। इतना ऊंचा कि मैं उड़कर वहाँ पहुँच ही नहीं सकी सकती, उल्ली ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आँखें बंद की और सो गई। अगली रात छुटकी ने समुद्र में लहरों की आवाज़ सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मी से पूछा। बहुत सी। कितनी? जाओ जाकर गिन लो, अम्मी ने जवाब दिया। तो छुटकी उड़ती हुई समुद्र के किनारे जा पहुंची और लहरें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4। पर वह जितनी लहरें गिनती और लहरें किनारे से टकराने लगती। 1001, 1002। वह गिनती ही चली गई। और जब सूरज निकला, उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। उसे जोरों की नींद आ रही थी। वह अम्मी के पास लौट आई। तो कितनी लहरें हैं समुद्र में? अम्मी ने पूछा। इतनी सारी कि मैं गिन ही नहीं सकती, छुटकी आंखें मीचते हुए बोली। अगली रात छुटकी ने अम्मी से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा। कितना गहरा? अम्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। छुटकी सारी रात आसमान और सितारों के बारे में सोचती रही, समुद्र और लहरों के बारे में भी सोचती रही, जो भी उसने अम्मी से सीखा था उसके बारे में सोचती रही। सूरज निकलते ही छुटकी अम्मी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अम्मी। कितना? अम्मी ने पूछा। बहुत, छुटकी ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बोली, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा है, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। अम्मी ने अपने पंखों से छुटकी को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? उल्ली ने पूछा। बहुत बार, अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में। यह एकलव्य का प्रकाशन है, यह उनका परिचय है। ये पुस्तक 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अच्छी है।
3 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों की सबसे अच्छी कहानियों में ये कहानी लिखी गई है। इसके कुछ सीमित संदर्भों के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है। इन्हीं बच्चों के लिए तैयार चित्रकथाएँ ऐसी ही हैं जिनमें नई नई परिस्थितियों और सवालों को टटोलते हुए कुछ गिने चुने पात्र होते हैं। कुछ बातें कहानी में दोहराई जाएं, जबकि कुछ नएपन के साथ आगे खुलती जाएं। लिखित भाषा कम से कम हो, परिचित हो, चित्रों की भरमार तो हो ही, उसकी बारीकी पर भी ध्यान दिया जाए ताकि यह कहानी को समृद्ध बनाए और पढ़ने वाले की बच्चों की नज़रों और मन के रुकने के लिए ठौर भी उपलब्ध कराएं। नया नया पढ़ना सीखे बच्चों की बढ़िया दोस्त हैं चित्रकथाएँ।